आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बरनी। आप देख रहे हैं द बरनी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए वो मुद्दा एनआरसी से जुड़ा हुआ है। क्या एनआरसी लागू किया जाएगा महाराष्ट्र में, खासतौर से कई सारे स्टेट क्योंकि अभी तक मना कर चुके हैं। करीब करीब 11 स्टेट ऐसे हैं जिनके मुख्यमंत्री ये खुले तौर पर ऐलान कर चुके हैं कि वह अपने राज्य में एनआरसी या सीएए को लागू नहीं करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि महाराष्ट्र में, क्योंकि पिछले दिनों राजनीतिक बड़े बदलाव हुए थे, जो शिवसेना पिछले 25 सालों से एनडीए का हिस्सा हुआ करती थी, वो इस बार बीजेपी से टूट गई और एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बना ली। शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। शिवसेना की तरफ से बाकायदा एक गठबंधन तैयार किया गया, पूरा उसकी तरफ से मुख्यमंत्री घोषित किए गए महाराष्ट्र के। अब एनआरसी को लेकर के क्योंकि बहुत ज्यादा बवाल चल रहा है, इसी बीच ऐसे में शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान आया है कि चाहे कुछ भी हो, अगर महाराष्ट्र के मुसलमान अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो वो ऐसा ना सोचें और वो अपने प्रदेश में यानी कि महाराष्ट्र के अंदर एनआरसी को लागू नहीं होने देंगे। एनआरसी को लेकर के काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स की जब बात की जाती है तो फिर सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात की जाती है, जिसमें खास तौर से एक मजहब के लोगों को छोड़ने की बात की गई है। हालांकि ये विदेशी लोगों के लिए अप्लाई होगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब देश के अंदर नागरिकता साबित करने की बात आएगी तो क्या सभी लोग अपनी नागरिकता साबित कर पाएंगे, क्योंकि देश के अंदर 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन का एक टुकड़ा भी नहीं है। अब ऐसे में खैर, महाराष्ट्र की तरफ से बड़ा बयान आ गया है। शिवसेना के अध्यक्ष और भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर कह दिया है कि महाराष्ट्र में एनआरसी लागू नहीं किया जाएगा। आप महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के इस कदम को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय हमें ज़रूर बताइए। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाएं और जाकर के अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। हमारी आपसे दरख्वास्त है कि इस प्रोग्राम को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप हमें सोशल मीडिया पर यानी कि इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं उन लिंक्स पर जाकर के आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।